नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। भागन विघा ओपी के फोर लेन के समीप ऑटो और मैजिक गाड़ी की टक्कर में ऑटो सवार एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई जबकि दो जख्मी हो गया है। जख्मी मजदूर ने बताया कि महाराष्ट्र से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पटना पहुंचे थे। वहां उतारने के बाद नवादा जाने के लिए 1800 रुपये में ऑटो रिजर्व कर तीनों भाई एक साथ नवादा जा रहे थे। इसी दौरान भागन विघा के पास तेज रफ्तार में आ रही मैजिक गाड़ी ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी जिससे बड़े भाई मोहम्मद शेख राजू की मौत हो गई। घटना के बाद ऑटो का चालक फरार हो गया। इसके बाद कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा तो जुगाड़ गाड़ी से जख्मी और मृतक के शव को लेकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचा गया। यहां भी जुगाड़ गाड़ी से शव को उतारने के लिए कोई नहीं पहुंचा, ना ही स्ट्रेचर की व्यवस्था कराई गई। तब स्वयं हाथ से उठाकर दोनों जख्मी भाई इमरजेंसी वार्ड में ले गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक नवादा जिला बागी बगडीहा गांव का रहने वाला है। मोहम्मद समीरुद्दीन, मोहम्मद जाहिद आलम और मोहम्मद शेख राजू तीनों भाई महाराष्ट्र के पुणे में मजदूरी करते थे और आज तीनों अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। जैसे हम लोग पुणे से आ रहे हैं शर्मिक ट्रेन से, वहाँ से हम लोग ऑटो धरे नवादा जाने के लिए। 1800 में ऑटो किए थे। आगे का चौक है, वहाँ पे एक पिकअप वाला के बुला दिया। तो कहाँ पर ऑटो कहाँ किए थे जी? ऑटो कहाँ रिजर्व किए थे आप? पटना में। अच्छा, कितना भाड़ा मांगा था? 1800 मांगा था। और वहाँ से श्रमिक का स्पेशल ट्रेन से आए, गाड़ी उड़ी नहीं मिला था आपको? नहीं मिला था। कहाँ नहीं मिला? होएगा काम, अभी कोई गाड़ी नहीं है फिलहाल। तो आप लोग कहाँ जाना था? नवादा जा रहे थे। अच्छा, तो आप लोग पुणे से आ रहे हैं? पुणे। कब लौटे थे पुणे से? अभी उतरे हैं, सुबह उतरे हैं पुणे से। तो घटना कहाँ पर घटी है? घटना आगे एक चौक है, हम तो लोकल है नहीं जो इतना पता है। अच्छा, ये आप लोग कितने आदमी थे? हम लोग 3 आदमी। तो आप लोग वहाँ से आए तो आप लोग को क्वारंटाइन में रखा नहीं गया? नहीं, अभी तो हम लोग नवादा जाइए, नवादा जाते हैं तो क्वारंटाइन होते हैं। तो आप लोग अपना भाड़ा लगा के जा रहे थे नवादा? क्या नाम है आपका? धन्यवाद। इसी प्रकार की ताज़ा खबर तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।